नमस्कार, सीने आजकल न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधरी। चले रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। हमारे संवाददाता कौशल मिश्र के मुताबिक भोजपुर जिला के बिहिया निवासी डॉक्टर संतोष कुमार ने देश स्तर पर MD MS की परीक्षा में प्रदेश में उत्कृष्ट स्थान पाकर अपने परिवार सहित इस क्षेत्र का मान बढ़ाया। उक्त परीक्षा में 1,30,000 चिकित्सकों ने भाग लिया था। संतोष कुमार की सफलता पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। हमारे संवाददाता कौशल मिश्र के मुताबिक भोजपुर जिला मुख्यालय आरा के शीश महल चौक स्थित हरखेन कुमार जैन धर्मशाला में हुए बम ब्लास्ट में बुरी तरह जख्मी पश्चिम बंगाल निवासी विकी पासवान की मौत हो गई। उसने पटना में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हमारे संवाददाता रंजीत कुमार के मुताबिक मोतिहारी जिला के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के दक्षिणी बरियरिया पंचायत के वार्ड नंबर 11-12 में उत्पाद विभाग की टीम व संग्रामपुर पुलिस ने साथ मिलकर शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने करीब 400 लीटर चुलाई शराब बरामद की। थाना प्रभारी शुक्ला ने बताया कि इस मामले में 5 पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मोतिहारी जिला के रक्सौल प्रखंड स्थित सिसवा गांव में हो रहे 9 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ की शोभा यात्रा पारंपरिक रीति रिवाज गाजे बाजे के साथ निकाली गई। इस दौरान 1,101 कुआरी कन्याओं ने अपने सिर पर कलश रखकर गांवों का पैदल दौरा किया। इस यज्ञ के आयोजक लक्ष्मण दास त्यागी ने बताया कि विश्व कल्याण हेतु महायज्ञ का आयोजन किया गया है। हमारे संवाददाता कौशल मिश्र के मुताबिक भोजपुर जिला के बिहिया प्रखंड अंतर्गत चकवत गांव स्थित हनुमान मंदिर बालाजी धाम स्थल पर शत चंडी अंबिका प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन शुरू है। गत 16 फरवरी से जलभरी के साथ शुरू इस यज्ञ का समापन शत चंडी अंबिका का नव निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद 21 फरवरी को पूर्ण आहुति से संपन्न होगा। 7 दिवसीय भारत दौरे पर आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी यात्रा के दूसरे दिन अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद यात्रा के दौरान ट्रूडो का पूरा परिवार पारंपरिक भारतीय परिधान पहने हुए नजर आया। ट्रूडो अपने परिवार के साथ सबसे पहले साबरमती आश्रम पहुंचे। साबरमती आश्रम में ट्रूडो की पत्नी सोफिया साड़ी में चरखा चलाती हुई नजर आई। केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि भारत में पाकिस्तान के कलाकारों पर तुरंत प्रतिबंध लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिल्म ऐ-दिल है मुश्किल की रिलीज के समय वादा किया गया था कि पाकिस्तान का कोई भी कलाकार अब बॉलीवुड में काम नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि अब हमें कोई फैसला करना चाहिए। भाजपा के बागी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। सिन्हा ने पीएम को उनके चौकीदार वाले बयान की याद दिलाते हुए कहा कि बड़ा चौकीदार सो गया, छोटा दमदार खो गया और हम सब देखते ही रह गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का हालचाल जानने के लिए लीलावती अस्पताल गए, जहां उनकी अग्नाशय की बीमारी का इलाज चल रहा है। पर्रिकर को 15 फरवरी को मुंबई के इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल, नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सीहेक मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है cineaajkalindia@gmail.com। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के कर्नाटक दौरे पर है, जहां उनकी अगवानी मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने की। यहां मोदी ने स्वर्ण बेलगोला में भगवान बाहुबली के मस्तकाभिषेक उत्सव में हिस्सा लिया। वहीं मोदी ने राज्य की कई योजनाओं की शुरुआत की। 15 दिनों के अंदर ये मोदी का दूसरा कर्नाटक दौरा है। PNB घोटाला मामले में CBI की कार्रवाई तेज होती जा रही है। केंद्रीय एजेंसी ने घोटाला का केंद्र रहे PNB ब्रेडी रोड ब्रांच को सील कर दिया है। बता दें कि CBI ने इस घोटाले में बैंक के 2 कर्मचारियों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। घोटाला का मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी देश से फरार है। रोटोमैक पैन कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी पर कई बैंकों का 800 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाने का आरोप लगा है और अब CBI ने कोठारी के घरों पर छापेमारी शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक विक्रम कोठारी ने जिन बैंकों से लोन लिया है उनमें बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक और यूनियन बैंक शामिल है। बैंकों ने नियमों की अनदेखी कर कंपनी को ये कर्ज दिया है। गुजरात में 75 नगर पालिकाओं में से BJP ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की है। शुरुआत में BJP को कड़ी टक्कर देती दिख रही कांग्रेस को 27 सीटों पर जीत मिली है, अन्य को 4 सीटें मिली है। PM नरेंद्र मोदी के गृह नगर वडनगर में BJP ने 28 में से 27 सीटें जीतकर कांग्रेस का सफाया कर दिया है। राजसम्मत के लाइव मर्डर के आरोपी शंभूलाल रैगन ने जेल से ही एक नया वीडियो बना दिया है। इसमें वे अपनी जान को खतरा बता रहा है। खास बात तो यह है कि शंभू इस समय जोधपुर की हाई सिक्योरिटी जेल में है और ये वीडियो जेल से ही आया है। ऐसे में जेल की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं।
नीरज पांडे के निर्देशन में बनी फिल्म अय्यारी को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का साथ नहीं मिला है और फिल्म ने पहले तीन दिनों में सिर्फ 13 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया है। नीरज पांडे की अय्यारी भारतीय सेना के दो अधिकारियों की कहानी है। ये रोल मनोज वाजपेयी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने निभाया है। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हाँ, तो देखते रहिए सीएम इंडिया टीवी, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ।